Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, students. This is your EVS class. I am your EVS teacher. So, student, today we will complete your chapter 16. So, आप भी इससे पहले स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 16 में पढ़ेंगे गांधी जयंती. इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था रिपब्लिक डे और फिर पढ़ाया था इंडिपेंडेंस डे. ओके, पर आज हम आपको पढ़ाएंगे गांधी जयंती. आई होप आपको रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे अच्छे से समझ आ गया होगा. आज गांधी जयंती के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 92 एंड स्टार्ट रीडिंग. ओके, देखिए गांधी जयंती. गांधी जी का नेम आपने सुना होगा. गांधी जी कौन थे? उन्हें हम वो हमारे फादर ऑफ नेशन थे. उन्हें हम बापू के भी बुलाते थे. तो उन्हीं के लिए ये गांधी जयंती मनाई जाती है, उन्हीं की के दिवस पे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. जो बर्थ है, जो बर्थ यानी कि जो उनका जन्म का दिन है, ठीक है, जो उनका जन्म एनिवर्सरी जो है जन्मदिन की ऑफ महात्मा गांधी की, पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. वो किस नाम से जाना जाता है? पॉपुलरली यानी कि नॉर्मल जो जाना जाता है आमतौर पर, वो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन के नाम जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से उनको जाना जाता है. ओके, इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती. तो वो जो उनका बर्थ जो डे है उनका, जिस दिन उनका बर्थ हुआ था, वो गांधी जयंती के नाम से जानी जाती है. ओके, अब आपको समझ आ गया होगा हम गांधी जयंती क्यों होते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था. महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता भी कहा जाता है. ही वॉज द मैन हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर अचीविंग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर. ही वॉज द मैन, वो इंसान, ऐसे इंसान थे हु, माने जो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर अचीविंग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर. जिन्होंने हमारे ब्रिटिश, हमें एक इतनी अहम भूमिका निभाई, हमें इंडिपेंडेंस आजाद करने के लिए, हमारे भारत को आजाद करने के लिए, किससे? फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर से. जो हमारे पास ब्रिटिश शासन लगा हुआ था, तो उनसे हमें आजाद करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है. ही बहुत जी जान से उन्होंने इतनी मेहनत करी थी. हिज रियल नेम, उनका जो वास्तविक नेम था वो था, वॉज मोहनदास करमचंद गांधी. क्या नाम था स्टूडेंट? शायद आप कुछ ही स्टूडेंट को पता होगा कि इनका पूरा नाम गांधी जी नहीं था. गांधी जी तो उनको बाद में, इनका सर नेम था बाद में कहने लगे थे, बट जो पूरा नेम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी. ओके, बट लेकिन ही वॉज प्रॉपरली नोन एज बापू. ओके, ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि नाम तो उनका ये था, लेकिन वो पॉपुलरली जो जाने जाते थे, वो जिस नाम से, वो बापू नाम से जाने जाते थे और गांधी जी के नाम से. ठीक है, दो ही नेम से वो जाने जाते थे, बापू जी या गांधी जी. ही वॉज बॉर्न ऑन 2nd अक्टूबर. उनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था, 1869 में हुआ था. ओके, इन पोरबंदर. पोरबंदर जो कि गुजरात में है, गुजरात में पोरबंदर नामक जो स्थान है वहां पर 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था. ओके, गांधी जी वॉज अ प्रीचर ऑफ ट्रुथ. गांधी जी जो थे वो पुजारी थे किसके? ट्रुथ यानी कि सत्यग्रह के, सत्य बोलने के, एंड अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के पुजारी थे. ही स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. उन्होंने स्टार्ट शुरू किया द सत्याग्रह मूवमेंट को शुरू किया, सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. इंडिया को फ्री कराने के लिए ब्रिटिश एम्पायर से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया. ही बिलीव्ड इन लिविंग अ सिंपल लाइफ एंड इन यूजेज ऑफ स्वदेशी मटेरियल. ही बिलीव, वो विश्वास करते थे इन लिविंग रहते थे, वो विश्वास करते थे और ऐसे रहते थे इन सिंपल लाइफ में, साधारण जीवन में विश्वास करते थे, एंड इन यूजेज आ स्वदेशी मटेरियल. और जो हमारे देश के, हमारे ही स्वदेश के जो मटेरियल थी, जो चीजें थी, हमारे देश की जो स्वदेशी वस्तुएं थी, उनको यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे. ओके, ही प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट फ्रीडम कैन बी अचीव्ड
थ्रू द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस ही प्रूव्ड, वो प्रूव्ड करते थे, दिखाया उन्होंने, प्रूव करके दिखाया टू द वर्ल्ड को दैट फ्रीडम कैन बी अचीव्ड थ्रू द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के मार्ग पे चलकर उन्होंने अचीव किया, यानी कि प्राप्त कर लिया, हमारे देश को उन्होंने आजाद कराया, हमारी इस दुनिया को, अ ट्रू सिंबल ऑफ पीस एंड ट्रुथ। जो गांधी जी थे वो ट्रू मतलब सच्चाई के सिंबल थी, एक उनको सच्चाई की मूर्त कह सकते हैं, जो कि पीस और ट्रुथ, पीस शांति और सत्य की को मानते थे, ओके, जो कि जो सत्य और शांति में विश्वास करते थे, जिन्होंने कोई भी काम अगर कराना चाहा तो वो हिंसा से नहीं, अहिंसा से करवाया, नॉन वायलेंस के पुजारी थे, ओके। दिस फेस्टिवल इज नोन मार्क्ड बाय एनी स्पीच और परेड, ये जो फेस्टिवल है उनका जो त्योहार है इज नॉट मार्क्ड बाय एनी स्पीच और परेड, इसको इस फेस्टिवल को कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परेड निकाली जा रही है या कोई स्पीच दी जा रही है, इट इज मोर अ डे ऑफ प्रेयर एंड ट्रिब्यूट्स, ये जो दिन है वो है मोर प्रेयर यानी कि प्रार्थना करने का और ट्रिब्यूट्स मतलब बलिदान देने का, मतलब उसका द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट राजघाट, जो मेन फंक्शन होता है वो कहाँ होता है, राजघाट पे होता है, द मेमोरियल वेयर ही वॉज क्रीमेटेड, वो राजघाट जो है वो जाना जाता है, याद किया जाता है, वेयर माने जहाँ ही वॉज क्रीमेटेड, जिनको वहां पर जिनको जब जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था, ओके। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन्स रीड एंड प्रीच फ्रॉम दियर होली बुक्स सिंस गांधी जी इज रिस्पेक्टेड इन ऑल रिलीजियस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजियंस, सब धर्म, सारे धर्म को, जितने भी धर्म समुदाय थे उनको रीड पढ़ते थे एंड प्रीच फ्रॉम दियर होली बुक्स, और वो जो पुजारी थे होली बुक्स जो हमारी पवित्र ग्रंथ है उनके, सिंस गांधी जी इज रेस्पेक्टेड इन ऑल रिलीजन, और गांधी जी जो थे वो सारे धर्म का, सबका रेस्पेक्ट करते थे, सारे धर्म को मानते थे, सारे जितने भी हमारे रिलीजियंस हैं सबके, सब धर्म के वो पुजारी थे, ओके। हर धर्म को वो रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि हर धर्म को वो मानने वाले थे, उनकी सारी बुक्स पढ़ते थे, है ना। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं और ये किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ओके। गांधी जयंती हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज वो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी की, ओके, और इसको हम 2 अक्टूबर वाले दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है, ओके, थैंक यू।